जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप 12th क्लास बायोलॉजी से पास हैं और भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आने वाली नई भर्ती है नर्सिंग असिस्टेंट की, 2 इदारों की मैं बात करूंगा जिसकी ज्वाइनिंग पुरानी भर्ती की हो चुकी है। हालांकि नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती की अगर ऑल ओवर इंडिया में बात किया जाए तो अभी कई सारे इदारों के फिजिकल चल रहे हैं, ठीक है। अभी पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं कंप्लीट हो पाई, लेकिन लखनऊ जेडारो की यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वालों की भर्ती प्रक्रिया जो लास्ट वाली थी वो कंप्लीट हो गई। अभी नई भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, तो इस वीडियो में पूरा जानकारी नई भर्ती पर रहने वाली है। देखो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो नए कैंडिडेट है, आपकी जो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होती है वो जेडारो वाइज होती है, मतलब जो जोनल है उनके अंतर्गत होती है। एक जेडारो में कई सारे एआरओ आ सकते हैं, जैसे लखनऊ जेडारो की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरठ एआरओ है, अमेठी है, बनारस है, आपका बरेली है, उत्तराखंड के कुछ एआरओ जैसे लैंसडाउन है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, ये सारे एआरओ इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो नई आने वाली भर्ती है उसका शेड्यूल साथियों लगभग ये मान के चलिएगा कि जनवरी में जारी हो सकता है, या फिर कह लें कि दिसंबर लास्ट में, फिर जनवरी में निश्चित ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। रही बात एज लिमिट की, तो एज लिमिट सेम रहने वाली है, 23 वर्ष रहने वाली है, कोई भी चेंजिंग नहीं है उसमें। उसके लिए बिल्कुल भी ना परेशान हो, आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। अगर 12th क्लास बायोलॉजी पास है, फार्मासिस्ट की आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप ये तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे एनसीसी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। साथियों, अगर आप भी राष्ट्रीय कैडेट कोर की ABMC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नए पैटर्न और सिलेबस पर आधारित यह पुस्तक आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल परेशान हो, नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।